नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 24 संगीन मामलों में फरार चल रहे 53,000 का इनामी बदमाश को मुखबिर की सूचना के आधार पर धनरावदा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा से वार्ता की। पवन पारदी पिता पर्वत पारदी बिलाखेड़ी का निवासी है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। इसमें 307 के भी 2-3 अपराध हैं, 354 का भी अपराध है, जिसमें छेड़छाड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर वाले अपराध भी पंजीबद्ध हैं। इसको पुलिस ने जो है वो बिलाखेड़ी गांव की तरफ आते वक्त रेलवे अंडर ब्रिज के पास में ही हिरासत में ले लिया है। इसको और भी पूछताछ की जा रही है कि और किन किन मामलों में इसकी संलिप्तता है। अभी इसके ऊपर कुल मिला के 53,000 रुपीज़ का इनाम अब तक शासन के द्वारा घोषित किया जा चुका था। और भी आगे पूछताछ करके और कहां कहां पे इसके अपराध है उसमें और भी तफ्तीश की जाएगी। और अभी हम लोग इसको जो है वो कोर्ट में पेश करेंगे। अभी इसके पास कोई भी हथियार वगैरह जब्त नहीं हुआ है, इसको सिर्फ पवन पारदी को ही हम लोग गिरफ्तार किया है। सर, इसके पर्वत पारदी की जो बेटी है वो उसने ग्रेजुएट किया हुआ था और वो बता रहा था कि उसके जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो भी अपराध है वो गिरफ्तारी करके और उसमें जो है वो आगे से एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो पुलिस के द्वारा उसके अंदर जो है वो उसको आश्वस्त भी किया गया था और बताया गया था कि आप अपने बच्चों को जो भी अपराध है उसमें सरेंडर करवाइए और साथ साथ में एक अच्छी लाइफ के लिए आप जो है वो आगे बढ़िए, हम लोग आपका साथ देंगे। तो इस तरीके से बात भी हुई थी। अभी इसका बेटा जो है वो पकड़ा गया है और भी आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें जो है वो आगे और बेहतर ये बनकर मुख्य धारा में जुड़े। फास्ट समाचार के लिए गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।